आज हम अपनी 5 क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि नेट, एसटेट, केवीएस, डीएसएसबी, केवीएस सभी में क्या होगी, बेनिफिशियल होगी। आजकल जो ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो स्टेटमेंट्स के आते हैं, इसलिए जो हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो भी किससे, स्टेटमेंट से करने जा रहे हैं। आगे आगे इन क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में अभी हमें पहले लो लेवल से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद जो हमारे क्वेश्चंस का लेवल है वो हर एक सीरीज में इंक्रीज होता दिखाई देगा आपको। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, फाइनल अकाउंट बनाते समय यदि जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको ट्रायल बैलेंस में शो किया गया है तो उसे केवल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही दिखाया जाता है, बैलेंस शीट में नहीं। तो ये क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि जो हमारा ट्रायल बैलेंस में जो क्लोजिंग स्टॉक शो हो रहा है उसे हम किस में दिखाते हैं, बैलेंस शीट में, क्योंकि जो इसकी एडजस्टमेंट है वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हो चुकी होती है। ट्रायल बैलेंस में शो करने का मतलब ही यही होता है कि अब इसकी सिर्फ एक जगह एंट्री होनी है, वो कहाँ पे, बैलेंस शीट में। इसके बाद जो इसका रीजन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि ट्रायल बैलेंस में शो की गई किसी भी आइटम्स को केवल एक ही जगह पर दिखाया जाता है, जैसे या तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या बैलेंस शीट में। ये बिल्कुल सही है, लेकिन जो हमारा फर्स्ट है वो क्या है, रोंग है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आर सही और ए रोंग, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ। उसके बाद ये पूछा गया कि कौन सा सही है, यानी कि कौन सी इक्वेशन सही दी हुई है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक प्लस सेल्स माइनस परचेज इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक, गलत हो गया। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस प्लस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक क्या दिया हुआ, प्लस, अगर यहाँ पे माइनस होता तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन ठीक हो जाती। इसके बाद परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक प्लस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक, तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में क्लोजिंग स्टॉक ऐड करेंगे माइनस परचेज इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक्स, तो ये हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है ये बिल्कुल सही है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट। इसके बाद क्या है, शेयर प्राइस दे रखा है 100, डिस्काउंट पे 5 रुपीज डिस्काउंट पे इशू किए हैं, इट मीन्स ये 95 में इशू किए गए हैं। उसके बाद क्या कहा गया है कि फुल्ली अमाउंट कॉल्ड अप कर लिया गया, कि पूरा का पूरा अमाउंट मंगा लिया गया है, और जो 20 रुपए की फाइनल कॉल थी वो पे नहीं हुई है। पे न होने के कारण क्या कर लिया गया, शेयरों को फोरफिटेड कर लिया गया। तो अब ये पूछा गया कि फोरफिटेड करते टाइम्स हम शेयर कैपिटल अकाउंट में डेबिट कितने अमाउंट से करेंगे। जब हम इशू करते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो जब उसको फोरफिटेड करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। तो अगर डिस्काउंट पे इशू किए गए हैं तो डिस्काउंट प्लस अमाउंट के साथ उसको डेबिटेड करते हैं। इसका आंसर हमारा हो जाएगा 100 रुपीज, यानी कि जितना शेयर प्राइस है उसी से हम क्या करेंगे, इसको डेबिटेड करेंगे, यदि फुल्ली कॉल्ड अप अमाउंट है तो। इसके बाद जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है, डेप्रिशिएशन इज नॉट एप्लीकेशन ऑफ सोर्स, कि जो डेप्रिशिएशन है वो एप्लीकेशन ऑफ सोर्स नहीं है। बिकॉज डेप्रिशिएशन इज नॉट फंडेड आइटम्स, इसमें क्या क्या कहा गया कि डेप्रिशिएशन इज नॉट एप्लीकेशन ऑफ सोर्स। कई इकोनॉमिक्स का मानना है कि डेप्रिशिएशन क्या है, हमारा एप्लीकेशन ऑफ सोर्स है, लेकिन अगर कुछ भी ना दिया हुआ हो तो हम ये मानते हैं कि डेप्रिशिएशन एप्लीकेशन ऑफ सोर्स नहीं है। इसका मतलब जो हमारी स्टेटमेंट है फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आर करेक्ट, इट मीन्स हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से पूछा गया है कि स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है। तो जो मार्जिनल रिवेन्यू है वो क्या होता है, यदि हम एक भी आइटम को प्लस या माइनस करते हैं तो जो हमारी रिवेन्यू में चेंज आता है वो हमारा क्या होता है, मार्जिन रिवेन्यू। तो जो इसमें फर्स्ट मार्जिन रिवेन्यू n+1 है, तो n+1 n+1 -1, तो क्या बच गया, n बच गया। इसका मतलब जो हमारी फर्स्ट दी हुई है वही सही है, हमें बाकी ऑप्शन में जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये थी हमारी 5 क्वेश्चन सीरीज। हमारे क्वेश्चन कैसे लगे, प्लीज शेयर, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट, और आगे के लिए हमें सजेशन दीजिए कि कैसे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किया जाए और आज वाले क्वेश्चन हमारे कैसे लगे। थैंक यू।